अमृतसर में भारत पाक सीमा पर देखा गया ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज, बोले दिखाने को एक काम नहीं पर गिनाने को हजार बहाने हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,156 नए केस आए सामने। 24 घंटे में कोरोना से 733 मरीजों की मौत। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे की बढ़ोतरी। आर्यन खान ड्रग्स केस का मामला, एनसीबी का गवाह किरण गोस्वामी गिरफ्तार, गोस्वामी को पुणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। आज से यूपी के सभी शहरों में दिवाली मेला आयोजित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिवाली मेले का उद्घाटन करेंगे। झूलेलाल घाट किनारे दिवाली मेला लगाया जा रहा है जो 4 नवम्बर तक चलेगा। सीएम योगी शाम 6 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इस बार आने वाले दिनों में मेले में रैपर बादशाह, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सुनील पॉल समेत अन्य बॉलीवुड सिंगर भी आएंगे। वहीं सीएम योगी कोरोना को लेकर 5KD स्टेडियम में बैठक करेंगे। वहीं शिवहरे समाज का सम्मेलन कार्यक्रम भी होगा जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। साथ ही यूपी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का भी शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज कई कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के, साथ ही दिवाली मेला भी शुरू हो रहा है जो कि दिवाली वाले दिन यानी 4 नवंबर तक चलता रहेगा और इसकी शुरुआत आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और इसके साथ ही कई कार्यक्रम है सीएम योगी के आज यूपी के सभी शहरों में आज दिवाली का मेला आयोजित तो होने वाला है। तो ये सबसे अहम बात है क्योंकि इसकी शुभारंभ खुद पीएम मोदी करने वाले हैं। साथ ही झूलेलाल घाट किनारे दिवाली मेले का आयोजन किया जा रहा है, ये 4 नवंबर तक चलेगा। इसके अलावा भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भी जाएंगे कार्यक्रम में शामिल होने और 6 बजे झूलेलाल पार्क में दिवाली मेले का शुभारंभ भी करेंगे 6 बजे। और आने वाले दिनों में मेले में रैपर बादशाह, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, सुनील पॉल समेत कई बड़े सितारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी कोरोना को लेकर 5KD स्टेडियम में बैठक भी करेंगे और शिवहरे समाज का सम्मेलन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। साथ ही यूपी जलवायु परिवर्तन समेत 2021 का भी शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज कई कार्यक्रम है सीएम योगी के, लगातार कई सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी और आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। लेकिन अब त्योहारों का मौसम है और ऐसे में हर साल आयोजित तो होने वाला दिवाली मेला, उसका शुभारंभ आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं जिसमें कई बड़ी हस्तियां, कई बॉलीवुड सितारे आने वाले हैं, कई रैपर सिंगर्स भी इसमें शामिल होंगे, तो कई कॉमेडियंस भी यहाँ पे शिरकत करेंगे और लोगों को एंटरटेन करेंगे। तो आपको बता दें कि इस दिवाली मेले का आयोजन झूलेलाल पार्क में हो रहा है गोमती किनारे, तो इसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखा जाएगा, किस तरह से सारे चीजों पर नजरें रहेंगी सरकार की ताकि किसी भी चीजों का उल्लंघन ना हो या फिर कोई अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हो, इन सभी पर ध्यान देने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि बादशाह से लेकर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव तक सुनील पॉल भी नजर आएंगे और कई बड़े सितारों के आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है 5KD स्टेडियम में। आज कोरोना को लेकर बैठक भी करेंगे, जिस तरह से विदेशों में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो उसको देखते हुए सीएम योगी ये बैठक करेंगे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अब हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं गौरव। तो हम गौरव से जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम है। गौरव, तो आपके पास क्या कुछ अपडेट है? चुनाव के आते आते ही सभी दलों की गतिविधियां तेज हो जाती है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार करते वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लगातार दौरे के माध्यम से, लगातार जनसंवाद के माध्यम से वो जाते रहे हैं, जिलों में जाते रहे, ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। हमेशा से ही संबंधित समस्याओं का निराकरण इनके द्वारा किया जाता रहा है
अगर बात करें सीएम योगी कार्यक्रम की, तो सीएम योगी एक दिन में कई जिलों के दौरे भी करते हैं, कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव पास में है उसको देखते हुए उनके द्वारा लगातार कई कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो एक महामारी है कोरोना को लेकर उसमें भी लेकर उनके द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। साधु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सबसे पहले जो आपकी कोरोना से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी स्तर के अधिकारी और जो टीम है टीम 9 वो शामिल हुई, जिसमें देखा गया है किस तरह से कोरोना को नियंत्रण किया जाए, जो चल रहा है। कल भी लगभग लगभग 1,85,000 जांच हुई थी, जिसमें मात्र 5 मरीज संक्रमण मिले थे। तो माना जा सकता है जिस तरह से कोरोना महामारी के तहत जो रणनीति अपनाई थी टीम 9 के तहत वो सफल होती दिख रही थी। अब रणनीति में कोई जिला बहाली ना हो, भविष्य में हर कोई अन्य महामारी का बहुत कोई ज्यादा प्रभाव देखने को मिले, बैठक की गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री लगभग लगभग 11 बजे हलवाई का पूजन, उसके परे हमारी समाज के समाज सम्मेलन है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, उसमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शामिल होंगे। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन 2021 का सम्मेलन है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। मैं आपके सिद्धार्थनाथ सिंह और तारा सिंह चौहान और ब्रजेश माधव भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो राजभवन में एक नए भवन का उद्घाटन हुआ है उसका भी स्वागत उद्घाटन करके ले जाएंगे। और इसके बाद जो एक झूलेलाल पार्क जो घूमते किनारे पार्क है वहां पर 28 अक्टूबर से एक मेला आयोजित किया जा रहा है, उस मेले का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता को कई सौगात देते हुए भी नजर आएंगे, और इसके साथ ही जो दिवाली मेला है उसके आयोजन में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकासखंड के कई गांव में पात्र लोगों के पास सिर ढकने के लिए छत तक नहीं है। ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हमें सरकार से कोई भी लाभ नहीं मिला है, जबकि ग्राम प्रधान से शिकायत करने पर वो कहते हैं कि नाम लिस्ट में लिखवा दिया गया है। कुछ पात्र गरीब ऐसे हैं जिनकी हालत काफी खराब है और वो अपना घर बनाने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण गरीब परिवार खुले में रहने को मजबूर है। जब इनसे सरकार द्वारा चलाई जा रही आवास योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज तक उन्हें कोई भी आवास नहीं मिला है, और जब भी प्रधानी का चुनाव आता है और तभी सभी वादे करते हैं कि अगर वो गांव का प्रधान बने तो सबसे पहले आवास उनको दिलाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने वादे भूल जाते हैं। क्या नाम है आपका? मीनू। अच्छा, आपके गांव का नाम? गुलालपुर। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं ये आपका मकान है किसी और का? हाँ, हमारा ही है। अच्छा, तो इसके से और भी कोई मकान है आपका? नहीं है। अच्छा, कितने दिन से रह रहे हो आप इस गांव में? इसमें जो है बहुत दिन से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा गुजर गए। अच्छा, तो जैसे कि सरकार की योजना चलाई जा रही है आवास योजना, तो आपको आज तक कोई आवास का लाभ नहीं मिला? अच्छा, सरकार द्वारा किसी योजना का लाभ मिला आपको अभी तक? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमें आज तक। जैसे कि शौचालय वगैरह? शौचालय मिला था एक। अच्छा, शौचालय मिला सिर्फ? हाँ। आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। और तो इस संबंध में आपने ग्राम प्रधान वगैरह ग्राम विकास अधिकारी से कहीं बात की? कई बार कही थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रधान ने, पिछले वाले प्रधान ने भी ये कह दी बनवाएंगे बनवाएंगे, अब वाला भी प्रधान ये कह रहा बनवाएंगे तुम्हारा आवास, लेकिन आश्वासन मिला आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप? आवास चाहते। तो ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और जब भी चुनाव आते हैं तो काफी वादे और दावे किए जाते हैं, तो इस वजह से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग काफी नाराज हैं और कह रहे हैं कि जब प्रधानी के चुनाव आते हैं तो सब वोट मांगने आ जाते हैं, और साथ ही वोट मांगने के साथ साथ कई दावे और वादे करते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे, जब हम पदभार संभालेंगे तो हम आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उसको दूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ में पेशेंट को भर्ती कराने आए एम्बुलेंस चालक से आराध्या हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा मरीज को किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने पर वापस लौट रहे एम्बुलेंस चालक से मारपीट करते हुए एम्बुलेंस के शीशे तोड़ दिए गए। जब चालक द्वारा गाड़ी नहीं रोकी गई तो गाड़ी पर
फायरिंग भी की गई। घबराए एम्बुलेंस चालकों ने गाड़ी को दौड़ाकर थाना अकबराबाद में पुलिस को सूचित किया। इस मामले में पुलिस की जांच कर रही है, लेकिन घटना की चार्जशीट दर्ज नहीं होने के कारण पीड़ित पक्ष एसएसपी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। सर, हम कासगंज से पेशेंट लेके आए थे मिशन हॉस्पिटल से। पेशेंट वाले एग्री होके आए थे, वहीं से बोल रहे थे हमें न्यू आराध्य हॉस्पिटल छोड़ना है। जी, हमने उनको लाके न्यू आराध्य हॉस्पिटल में एडमिट कराया उनके पेशेंट को। हम वहाँ से वापस जा रहे थे, तीन लोग हमारे साथ में थे पेशेंट वालों को। जी, हम वहाँ से वापस जब जा रहे थे तो हमारे पीछे गाड़ी लगी, तो गाड़ी लगी उन्होंने हमारी गाड़ी में फायरिंग वायरिंग की। कौन लोग थे फायरिंग वायरिंग करने वाले? फायरिंग वायरिंग करने वाले आराध्य हॉस्पिटल वाले थे। रात को हम मरीज लेके आए कासगंज से। जी, कासगंज से मरीज लेके आए अलीगढ़ न्यू आराध्य हॉस्पिटल। मरीज को हमने उतारा, उतारने के बाद हम वापस जा रहे थे तो हमारे ये हवाई पट्टी है ना, हवाई पट्टी से कुछ गुंडे लगे आराध्य हॉस्पिटल के। जी, हरिंदर चौधरी। अयोध्या में होने वाले पांचवें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से काम में जुट गया है। तो वहीं दूसरी ओर दीपोत्सव में निकलने वाली भव्य झांकी को लेकर झांकियां तैयार करने वाले कारीगर दिन रात काम करने और झांकियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस साल 3 नवम्बर को झांकियां निकलेंगी। 11 वाहनों पर सजी यात्रा झांकियां शोभा यात्रा के रूप में साकेत महाविद्यालय से निकलकर रामकथा पार्क तक जाएंगी। सभी झांकियों के जरिए सामाजिक संदेश देने की योजना है। निकलने के पहले, देव दीपावली के पहले, एक दिन पहले हमको तैयार करके देना, कंप्लीट रिहर्सल होगी एक दिन के लिए। और इसमें राम कथा से संबंधित सभी कुछ खास है, पुत्रेसी यज्ञ से लेकर के राम दरबार तक की यात्रा है, संक्षिप्त रामायण की पूरी झांकी निकलेगी। इससे खास खास तो राम की कहानी है तो सभी खास है, इसमें सबरी एक है, सबरी का भी। तो पांचवें दीपोत्सव को भव्य बनाने में प्रशासन जुट गया है, जहां 4 सालों से नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विश्व रिकॉर्ड, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए योगी सरकार नए आयामों को छू रही है और इस बार भी भव्य रूप से दिवाली मनाने की पूरी तैयारी है। और 3 नवंबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए भी तैयारियां तेज है और जितने भी लोग इस काम में जुटे हैं वो अंतिम रूप देने की कोशिश में है। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार डीआर रिसोर्ट बहजोई में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम का शुभारंभ जिलाधिकारी संजीव रंजन ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस कार्यक्रम में सभी बैंकों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए। जिलाधिकारी ने बैंकों के इस प्रयास की सराहना की है, साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो बैंक अपनी आम जनमानस तक पहुंचाए और जिससे जनपद के सभी निवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। बैंकों के माध्यम से तो ये लोग मेला कराया जाए, इसको एक पूरे प्रोग्राम के तहत कराया जाए ताकि ये फेस्टिवल की तरह लगे और लोगों को एक जागरूकता फैले कि बैंकें जो हैं उनका सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। और इस मेले में लगभग 118 करोड़ रुपया का लोन विभिन्न चीज़ों के लिए दिया गया है और ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। मुझे उम्मीद है कि बाकी जो लोग सोचते हैं कि उन्हें उनके पास पूंजी नहीं है और वो काम नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए जरूरी है कि बैंक जो है हमारे संबंध में उनके सहायता के लिए तत्पर है। मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर और पेशेवर हत्यारा अली शेफ उर्फ डॉक्टर के साथ उसका साथी कामरान उर्फ बन्नू, जो अली शेर के साथ वारदात को अंजाम देता था, वो रेकी करता था, जो आजमगढ़ के थाना क्षेत्र गंभीरपुर का रहने वाला है। दोनों आरोपी पुराने लखनऊ में किसी बड़े व्यापारी नेता की हत्या करने के इरादे से आए थे, जिनकी घैला चौकी से फैजुल्लागंज रोड पर एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों अपराधी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल भाऊराव देवरस चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया। अली शेर के खिलाफ लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है। तो मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें इसके खिलाफ कई मामले दर्ज है, कई अपराधी मामलों में ये लिप्त पाया गया है, जिसके बाद अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो स्पेशल टास्क फोर्स को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है। कई आपराधिक मामलों में लिप्त पाया गया था जिसे इस बार एक बड़े अपराध से पहले ही पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के थाना क्षेत्र गंभीरपुर का रहने वाला है और दोनों आरोपी पुराने लखनऊ के किसी बड़े व्यापारी नेता की हत्या करने के इरादे से आए थे, जिसकी घैला चौकी से फैजुल्लागंज रोड पर एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई और इस दौरान दोनों अपराधी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल भाऊराव देवरस चिकित्सालय इलाज के लिए भेजा गया है और साथ ही अली शेर के खिलाफ लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है और इसे अब गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल टास्क फोर्स को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो मुख्तार अंसारी पर पहले ही सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है और एक और सफलता हाथ लगी है जहां मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर और पेशेवर हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अली शेर उर्फ डॉक्टर के साथ उसका साथी कामरान भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये दोनों ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं, इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। और इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस सबसे मुखबिर योगी आदित्यनाथ सरकार में आए, सत्ता में आए, तब से लगातार उनके द्वारा कहा जाता रहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को कहीं जगह नहीं मिलेगी, या फिर प्रदेश छोड़ के जाएंगे, या फिर जेल में जाएंगे, या फिर उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। जिस तरह से उनके द्वारा काम किया जा रहा है, तो माना जा सकता है जिस तरह से अन्य भी पेशेवर अपराधियों से लेके माफियाओं पर जिस तरह से उनकी कार्रवाई हुई है वो बहुत अहम है। और उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ में भी जो पेशेवर हत्यारे थे, अपराधी थे, उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जा रहा है लगातार। मैं बता दूं, कल भी उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के घेला जो है आपका पड़ता है, थाना मरियाव के अंतर्गत आता है, वहां पर एक पेशेवर हत्यार अपराधी था जिसका नाम था अली शेर, और डॉक्टर के नाम से पहचाना जाता था। कहा जाता था मुख्तार अंसारी गैंग का एक शॉर्ट शूटर था जो विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर हत्याएं करता था। और जानकारी के मुताबिक अभी हाल में ही झारखंड के रांची जिले के थाना पालू क्षेत्र में बीजेपी नेता की हत्या भी उसके द्वारा की गई थी। तो माना जा रहा है कि जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा था, शिकंजा कसने के तहत लगातार अपराधी भाग रहे थे और अपनी जगह ढूंढ रहे थे कहां पर छिपा जाए, पर अब तक ये उनको मुफीद जगह नहीं मिली थी। और थाना मरियाव क्षेत्र में घैला पुलिस जो घैला पुलिस चौकी है, उस क्षेत्र में एसटीएफ और लखनऊ पुलिस के संयुक्त प्रयास से उसको मार गिराया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैं जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता गौरव जुड़े थे। संबल थाना नखासा के ग्राम पंचायत लखौरी जलालपुर में किसान सेवा सहकारी समिति के औचक निरीक्षण पर पहुंचे एसडीएम संबल। वहां पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और देखा कि किसानों के धान की तौल सही प्रकार से की जा रही है या नहीं, कांटे पर खुद खड़े होकर चेक किया और साथ ही किसानों को कोई भी परेशानी तो नहीं हो रही है इस बात की भी पुष्टि की। देख रहे थे किसानों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, खरीद चल रही है नहीं चल रही है, सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं कि नहीं है। खरीद का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन ही टोकन निकलता है, उसके साथ हमें चाहिए आधार कार्ड, खसरा और खतरी। ट्रैक्टर लगे हुए हैं और बिल्कुल अब कागज़ चेक कर रहे हैं उनके, कागज़ चेक अगर सही पाए जाते हैं उनके तो तोल बिल्कुल तोल दिया जाएगा। तो यहाँ सेंटर में मैं जाँच करने आया हूँ और यहाँ पूरा समय देता हूँ अपना कि धान सही से सही तरीके से तोलें, किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और यहाँ पे जो भी तोल हो रही है वो सही हो, ठीक हो और उनकी तोल पूरी हो जिससे उन्हें समय पर पूरा पैसा मिल जाए और उनकी प्रक्रिया जो भी हो। राजधानी में बेखौफ बदमाशों ने आलमबाग में चिक चिक रेस्टोरेंट कारोबारी जसविंदर सिंह रोमी को बदमाशों ने गोली मारकर फरार हो गए। घायल कारोबारी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है जबकि इन मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी, जसविंदर सिंह रोमी है, लगभग 45 इयर्स एज, चंदर नगर आलमबाग के रहने वाले। इनका एक यहाँ एक फूड कॉर्नर है चिक चिक चिकन करके और ये इनको किसी के द्वारा गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत इनको हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है और उन्होंने किसी पर संदेह भी व्यक्त किया है। यहाँ पर जो आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और जो दुकान पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो भी हम लोग चेक करवा रहे हैं और जल्दी इसमें उनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा।
और जिन लोगों ने ये घटना पुकारी है। राजधानी लखनऊ में हौसले बुलंद नजर आ रहे बदमाशों के, और बदमाशों ने रेस्टोरेंट कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी। वहीं रुकनुद्दीन सराय किसान सेवा सहकारी समिति के सामने किसानों ने एमएसपी के मूल्य पर धान की खरीद ना होने पर नाराजगी व्यक्त की है। नाराज किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के घंटों समझाने के बाद भी जाम खोला गया, और किसानों का आरोप था कि सहकारी समिति पर पिछले 3 दिनों से धान खरीद नहीं की जा रही है। आरोप लगाया कि सरकार किसान का धान खरीदना नहीं चाहती है। कहा गया कि अगर सरकार किसान का धान नहीं खरीदना चाहती है तो अपना नजरिया साफ करे। मैनपुरी में हो रही डीएपी की कमी को लेकर पूरे जनपद में खाद की कमी हो गई है, जिसके चलते किसानों की फसल बर्बाद होने की कगार पर है। उन्होंने फसल को अभी लगाया है, उनका सारा पैसा बर्बाद हो रहा है क्योंकि खाद पड़ने से ही फसल उगेगी। इस किल्लत को दूर करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राधे श्याम ने अपने संगठन के साथ विकास भवन में धरना दिया। से बैठे हैं साहब, इस टाइम हमारी लहा और आलू का मतलब सीजन चल रहा है। इस पीरियड में अगर हम आलू नहीं लगा पा रहे हैं तो हमारा बिल्कुल ही मतलब परिवार कगार पे आ जाएंगे। की कमी है, अधिकारी लोगों से जब भी बात हुई, कल जिलाधिकारी महोदय से बात हुई तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप AR से जाइए विकास भवन। कल यहाँ AR साहब जो आज हमारे खाद के मेन मुखिया होते हैं, इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि सभी किसानों को 3-3 बोरियां हम कल दिलवा देंगे, तो आज के लिए इन्होंने वादा किया था और वो सफ़ेद झूठ वादा किया था। किसी को खाद नहीं मिली है, कोई उस पर्पज़ से दोबारा मिलने को आए तो इन्होंने कह दिया कि खाद दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे, ये धमकी और देने दे रही हैं कि हम किसानों की फसल खराब होने की कगार पर है क्योंकि अभी ही फसल लगाई गई है और खाद की कमी हो रही है, जिसकी वजह से किसान काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।